नमस्कार, मेरा नाम वैद्य मिहिर खत्री, आयुर्वेद कंसल्टेंट एट डॉक्टर खत्री शाश्वत आयुर्वेदम अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया जो रोजाना सिर्फ 5 मिनट आप करते हो तो आपकी स्किन, आपके बोन्स, आपका पाचन तंत्र, आपकी स्लीप, इवन आपकी इम्यूनिटी, आपका डाइजेशन सब इम्प्रूव होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसको आयुर्वेद में एक चिकित्सा के रूप में कहा है अभ्यंग। अभ्यंग यानी कि हम सब लोग इसको मसाज या मालिश के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब भी हम मालिश या मसाज का नाम सुनते हैं तो हम समझते हैं कि रिलैक्सेशन के लिए स्पा में या क्लिनिक में जाके कराते हैं, वही नहीं। रिलैक्सेशन के अलावा इसको चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद में माना गया है। अलग अलग रोगों में, पार्किंसन में, पैरालिसिस में, पेन में, साइटिका में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, तो अभ्यंग के अलग अलग प्रकार ऐसे रोग के हिसाब से अलग अलग तेल, अलग अलग दवाई से मिश्रित ऐसी मसाज सिस्टमेटिक की जाती है। इसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहा है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल घर पे कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं या छोटी छोटी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अभ्यंग को घर पे हम सिर्फ 5 मिनट रोजाना ऊपर से नीचे की ओर तिल का तेल या सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल आपके वहाँ जो अवेलेबल हो इजीली, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में स्नान करने के पहले पूरे शरीर पे अप्लाई करना है। ऐसे ऐसे नहीं घिसना है, लेकिन ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जहां भी जॉइंट हो पेट पे और जॉइंट पे क्लॉकवाइज गोल गोल सिर्फ 5 मिनट पूरे शरीर पे एक दो हाथ लगा के गुनगुने पानी से स्नान कर दे। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर बैठ के फिर गर्म पानी से स्नान करें। आपको लगेगा सिर्फ 5 मिनट में ये तिल का तेल या कोई तेल शरीर पे अप्लाई करता हूं, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तिल का तेल या कोई भी तेल आपके शरीर पे जस्ट लगाते हो तो जो त्वचा के सूक्ष्म छिद्र उसको एब्सॉर्ब करते हैं, तो उसका वायु जो है वात नाशक गुण है तेल का, स्किन की ड्राइनेस कम करती है। और रोजाना धीरे धीरे आप लगाते हो तो स्किन से लेकर धीरे धीरे बोन तक वहां उसकी इफेक्ट आती है, तो इसके बेनिफिट पूरे शरीर पे क्या मिलते हैं। जो आप क्लिनिक में जाके मसाज करवाते हो या स्पा में जाके, उसके 70% रेगुलर आप करते हो, उसके आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट है मोटापे को कम करना। कैसे? सिर्फ शरीर पे तेल लगाने से आपका मोटापा कैसे कम हो सकता है? क्योंकि जो फैट चैनल से ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ेगा, फैट मेटाबॉलिज्म और अच्छा इंप्रूव होगा, तो आपके शरीर में जहां 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 ब्लॉकेज हो गए, मेद और कफ जमा है, वो रिड्यूस होगा, ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी और भी श्रिंक होगी। तो आयुर्वेद में जैसे वायु और कफ कम करने के लिए मालिश करते हैं, तो वैसे आपके शरीर की जो फैट है वो रिड्यूस होगी, आपकी स्किन टाइट होगी, मसल जो है वो टाइट हो गए, तो इससे आपकी बॉडी और भी छोटी दिखेगी, मोटापा कम होगा। इसलिए मालिश जो है वो मोटापे को कम भी करता है। और दूसरा फायदा ये भी है कि जो पतला है वो मोटा भी होता है। कैसे? क्योंकि उनके शरीर में जो खाना जाता है वो रस धातु, रक्त धातु, सप्त धातु का निर्माण अच्छी तरह से नहीं होता है, तो ये ही मालिश का फायदा, उनकी रस धातु, रक्त धातु, सप्त धातु का निर्माण करने लगती है। को अनिंद्रा में, यानी कि जिसको नींद रात को नहीं आती अच्छी तरह से, रोजाना रस सिर्फ तेल लगाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पूरी रात नींद आती है, क्योंकि तनाव कम करने वाला हार्मोन जो है कॉर्टिसोल उसको रिड्यूस करता है, तो आपका तनाव कम हो जाएगा, आपकी नींद एकदम बढ़िया आएगी रात को। इसलिए रोजाना तिल का तेल लगाने से नींद बढ़िया आती है। फिर दूसरा उपाय आपको कहता हूँ, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल पेन होने का चांसेस रहता है, तो तिल, कोई भी तिल पूरे शरीर पे अप्लाई करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वहां जो मसल में स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, वो सब नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे पहलवान लोग कुश्ती के बाद मसाज करवाते थे, चंपी करवाते थे, वो भी एक अभ्यंग का प्रकार है। तो यही मालिश का फायदा है। इसलिए ये मालिश कराने से आपके शरीर में जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो भी रिड्यूस करता है। जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप रोजाना शरीर पे तेल लगाते हो कोई भी, तो आपके शरीर में पेन, जिनको आर्थराइटिस है उनका रिड्यूस होता है पेन, और आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर स्किन का ग्लो बढ़ाती है, क्योंकि रोजाना जो मालिश करते हैं तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो स्किन का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। कहने का मतलब है कि जो आपकी स्किन गर्मियों में घूमते हो तो सन टैनिंग हो गई है, डार्क हो गई है, तो ये लाइट करती है, स्किन का कलर को फेयर करती है, ग्लो करती है, और साथ में इसका एंटी एजिंग गुण मिलता है। पूरे शरीर पे तेल लगाने से रिंकल्स जल्दी नहीं आती, एंटी एजिंग इफेक्ट बोले तो रिजुवेनेटिंग जैसे काम करता है।
तो ये पूरे शरीर पे तेल लगाते हो, आपकी स्किन फेस की भी ग्लो करती है और जो गले पे पेट पे शरीर पे जो झुर्रियां आती है वो झुर्रियां नहीं आती, और झुर्रियां है तो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। विंटर में जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है, बार बार मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। सिर्फ रोजाना तेल लगाते हैं उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, इवन एडी जो फटती है वो एडिया भी नहीं फटती, होठ फटते वो भी नहीं फटते। वायु की जिनको तकलीफ है, बार बार गैस हो जाता है, अगर रोजाना सिर्फ तिल की मालिश करते हैं तो भी आपके शरीर का वायु कम होता है। हाँ, ये मालिश स्किन को नहीं करनी है, जिनको सूजन है, जहाँ भी सूजन है वहाँ मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, वहाँ सूजन पे मालिश करने से और भी सूजन और दर्द बढ़ जाता है। बुखार आया हो, डायरिया हुआ हो, उनको भी मालिश नहीं करनी है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो बना के आपको भेजते रहे। नमस्कार।